टीवी शोज में आजकल बहुत ज्यादा होड़ देखने को मिल रही है। हालत इतनी खराब है कि कई बार मेकर्स को एक्टर्स के बुरे व्यवहार के चलते या तो इन्हें शो से निकालना पड़ता है या फिर किरदार ही बदलना पड़ता है। कुछ स्टार्स तो अपने रोल से ही नाखुश होते हैं, तो वहीं कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने हिट शो को बीच में ही छोड़ दिया। अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आपको ऐसे ही टीवी के हैंडसम कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रातों रात अलग अलग वजहों से अपने ही शो से बाहर कर दिए गए और फिर इन्हें दूसरे एक्टर्स ने सक्सेसफुली रिप्लेस भी किया। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं उन्हीं एक्टर्स के बारे में जिन्होंने पॉपुलर स्टार्स को रिप्लेस किया। नंबर एक, करण मेहरा विशाल सिंह। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में करण मेहरा कार्तिक सिंघानिया के किरदार में नजर आते थे। बाद में ये किरदार विशाल सिंह के हाथ लगा और उन्होंने बखूबी इस रोल को रिप्लेस किया। नंबर दो, करण सिंह ग्रोवर राकेश वशिष्ठ। शो कबूल है। सुरभि ज्योति के शो कबूल है में करण सिंह ग्रोवर असद अहमद खान बनकर लोगों से रूबरू हुए थे, लेकिन फिल्म में चांस मिलने की वजह से करण ने सीरियल को अलविदा कहा, जिसके बाद राकेश वशिष्ठ ने असद का किरदार निभाया। नंबर तीन, अथर हबीब यश गेरा। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में यश गेरा ने अथर हबीब की जगह ली थी। नंबर चार, शोएब इब्राहिम धीरज धूपर। शो ससुराल सिमर का। दीपिका कक्कड़ के जाने माने शो ससुराल सिमर का में शोएब इनके पति प्रेमी के किरदार में नजर आया करते थे, जिसके बाद उनको धीरज धूपर ने रिप्लेस किया। हालांकि अब तो ये शो बंद है और धीरज भी कुंडली भाग्य में दिख रहे हैं। नंबर पाँच, गौतम गुलाटी करण गोडवानी। शो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के शो दिया और बाती हम में गौतम गुलाटी विक्रम राठी के किरदार में नजर आए करते थे, लेकिन इन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया और बिग बॉस में एंट्री ली, जिसके बाद एक्टर करण गोडवानी ने गौतम को शो में रिप्लेस किया। नंबर छह, शशांक व्यास शक्ति आनंद। शो बालिका वधु। शशांक व्यास ने सीरियल बालिका वधु में जज्ञा बनकर खूब वाहवाही बटोरी। बाद में शशांक के जाने के बाद ये किरदार शक्ति आनंद ने बखूबी निभाया। नंबर सात, अरिजीत तनेजा विन राणा। शो कुमकुम भाग्य। अरिजीत तनेजा कुमकुम भाग्य में पहले पूरब खन्ना के किरदार में नजर आया करते थे, बाद में वो अपने रोल से नाखुश दिखे, जिसकी वजह से उन्होंने शो को बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्हें एक्टर विन राणा ने रिप्लेस किया। नंबर आठ, रोहन मेहरा ऋषि देव शहजाद शेख। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ही शो ये रिश्ता क्या कहलाता है नायरा के भाई के किरदार में पहले रोहन मेहरा नजर आते थे, उनको सीरियल में ऋषि देव ने रिप्लेस किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऋषि ने भी शो को अलविदा कहा, जिसके बाद अब नक्श के रूप में एक्टर शहजाद दिख रहे हैं। आपको बता दें कि शहजाद को भी लोग इस रोल में काफी पसंद कर रहे हैं।